हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और गुड नाइट है, नाइट के टाइम है, 8 बज रहा है रात के। तो अभी बैठे थे तो सोचे कि कुछ शूट कर ले। और करेला का सब्जी का इसमें रेसिपी है, चूँकि हम बनाए थे ना आज करेला का सब्जी और सोयाबीन का सब्जी, एकदम मछली की तरह बना था और बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। गाइज आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा तो अच्छा लगेगा। इसी तरह कुछ कुछ नए नए चीज़ बनाएंगे और आप लोग रेसिपी पर पूरा एकदम मेरे रेसिपी वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि हम और कुछ अच्छे अच्छे चीज़ बना के डालें। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस चीज़ का रेसिपी चाहिए, वो चीज़ हम बनाएंगे। तो शाम का टाइम, रात का टाइम हो गया है और जेरी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो पता नहीं क्यों इसको दही रोटी दिए थे, दही चावल भी दिए हैं तो नहीं खाया है। अभी एग और रोटी इसको मसल के दिलाया है, वो भी नहीं खाया है। आम जो इतना खाता है, आम भी नहीं खाया है। तो आज पूरा एकदम मूड में है आराम करने का। और यहाँ पर सोया है, वहाँ देखिए। और गैस आप लोग बोलती है ना कि पट्टा खोल दीजिएगा इसका, तो पट्टा खोले हैं। तो मेरे यहाँ क्या है कि रेंटर लोग रहते हैं, तो जैसे दरवाज़ा खुल रहा है ना, वैसे निकल के ये भाग जा रहा है बाहर। और वो गली गली है बाहर में, जो हम लोग का कॉलोनी में है ना, तो गली है 3-3 फीट का, सब में गैप है। तो उस गली में ये चला जा रहा है और हमको डर लग रहा है कि कुछ खा न ले, इसीलिए वो सिमी डेथ की थी, कुछ खा ली थी। तो ये भी बाहर निकल जा रहा है, देखिए अभी जा रहा है बाहर, वहाँ पे उसका बाहर में खाना दिए हैं कि खाना खा लेगा। ए जेरी, इसको बुलाए हैं तो आ गया और ये खाना नहीं खा रहा है, तो पानी चाहिए जेरी को। ये खाना नहीं खा रहा है आज, तो देखते हैं कहीं खा लेगा बाद में। उसे रखा गया है इसका खाना, कोई अथी में ना प्लास्टिक के कटोरा में पानी तो नहीं दे दी पिए के, वजह हो मिठाई वाला डबो ना वाला प्लास्टिक हुआ के वही में एक आई आंटी, तो सुबह से तो है वो, परसों भी आई थी तो कल चली गई थी, फिर आज आई हैं। तो अच्छा है, रहेंगी तो थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा। और अभी खाने आए हैं 8 बजे सब्जी वगैरह लेके, तो सब्जी में लाए हैं कोढ़ी, जो घेवड़ा होता है, घेवड़ा जो नेनुआ, नेनुआ का उसका फूल। उस दिन हम बनाए थे तो कितने लोग पूछ रहे थे कि क्या है क्या है, तो उसी का फूल लाए हैं और नेनुआ लाए हैं। फिर से बनाएंगे सब्जी, तो कल नहीं बनाएंगे, एक दिन के बाद बनाएंगे। आज मसाला वाला सब्जी खा लिया है लोग, तो कल बनाएंगे कुछ दूसरा चीज़, भुजिया वगैरह बनाएंगे। तो बहुत लोग बोल भी रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना तेल मसाला आप लोग खा रहे हैं। तो क्या है ना कि रेसिपी जब बनता है ना, तो थोड़ा सा डाला जाता है अच्छा से बनाने के लिए, और उसका कलर वगैरह अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा मसाला और थोड़ा सा तेल का बढ़ जाता है ज़्यादा। तो कोई बात नहीं है, अपने हिसाब से आप लोग बनाइएगा। लेकिन आज का सब्जी बहुत मस्त हुआ था, तो नहीं लग रहा था कि फिश नहीं खा रहे हैं बहुत बढ़िया बना था। अब ये ना कहिएगा लोग कि आप मछली का तुलना कर रही हैं। तो रेसिपी है, रेसिपी बनता है, अच्छा लगता है। और हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन प्याज सावन में नहीं खाना है, जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाएं। लेकिन हम लोग के यहाँ ससुराल मायके में ऐसा कुछ नहीं है, सीन सब लोग खाते हैं। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं, और करेला का भुजिया कैसे बनाते हैं इस वीडियो में है, आप लोग देखिएगा और बनाइएगा आप लोग भी। एकदम मीठा बहुत अच्छा हुआ था सब्जी करेला का भी, उसको ढक के कम आँच करके बहुत मस्त बना था। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी बनाइए और खाइए, तब बोलिएगा कि कैसा बना था और किस चीज़ का रेसिपी चाहिए, फिर आप लोग बताइएगा किस चीज़ का सब्जी बनाना है या क्या बनाना है, वो हम बनाएंगे डालेंगे ब्लॉग में। तो ये देखिएगा, इस मात्र 4 करेली है, 4 में 2 प्याज ही पड़ जाएगा, तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसका देखिए, अभी काटने जा रही है मीना, तो सब काट यहाँ पर लेंगे। मेथी, जो कि मेथी थोड़ा सा डालेंगे इसमें, यहाँ तेल गरम हो गया है। यहाँ मिर्चा 2 टुकड़ा में कर दिए हैं, 2 है। तो अब डालेंगे इसमें करेली, हाँ
जो ब्लैक ग्रीन वाला जो आता है ना फ्राई, उसमें हल्दी नमक मिक्स से बनता है तो तीखा नहीं रहेगा, बच्चा लोग के लिए खाने में अच्छा रहता है। और इसका उतना तीखाई नहीं होता है तो इसको मसला नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर सब्जी करेले का आराम से बन रहा है। 250 ग्राम करेली था, इसमें प्याज का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छा होता है। यहाँ पर प्याज है जो दो बड़ा बड़ा प्याज कटा हुआ है, इसको चलाएंगे अच्छे से भुना सकता है। यहाँ देखिए करेली लाल हो गया है और इसको क्या करेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसमें डालेंगे प्याज, जो कि प्याज यहाँ पर है। प्याज डालिए और आँच कर देंगे कम, क्योंकि आँच कम से अच्छे से ये गल जाएगा प्याज में, और इसको ढक देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये प्याज सॉफ्ट हो गया है, गल गया है, और ये अच्छे से करेला भी गल गया है। लेकिन अभी इसको थोड़ा देर और 10 मिनट तक एकदम आँच सिम करके रखते हैं चूल्हा पे, और एकदम अच्छे तरह से पक रहा है। एकदम आँच लो फ्लेम पर रखे हैं और आप एकदम सिम आँच पर इसको बनाया जा सकता है। तेल कम भी रहता है ना तो कम आँच पे अच्छे से बन जाता है। इधर मेरा चावल बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये करेली का सब्जी मेरा बन के रेडी हो गया। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट जरूर करना। तो यहाँ देखिए 250 ग्राम करेली और 150 ग्राम प्याज मैं बनाया है इसको, और कितना अच्छा बना है ना। तो इसको पहले खाली करते हैं अपने बर्तन में यहाँ, और इसी कढ़ाई में तेल डालेंगे जो कि हमको दूसरा रेसिपी बनाना है सोयाबीन का। तो आप लोग जाइए और जल्दी से आप लोग देखिए, यहाँ इसको खाली करें पहले। इसमें डालते हैं पानी और चाय, और बारिश ना पूरा कपड़ा छत पे डाले हुए थे आज, और बिछावन वगैरह जो कि एक गद्दा पर सोया था छोटू, थोड़ा सा गीला था तो हम सोचे कि ले जाकर डाल दे छत पे, सबसे ऊपर वाला पे गए थे तो वहाँ डाले ना, तो फिर हम नीचे आ गए, पता नहीं कब बारिश आ गया इतना तेज़ कि वो गद्दा और गीला हो गया। तो वही कहा जाता है ना कि संजोग, अब दौड़ के जा रहे थे तब तक तो पूरा तेज़ बारिश आ गया, बारिश आने से पूरा गद्दा को हालत ख़राब, पानी उसमें पूरा आ गया गद्दा में, तो उसको डाल दिए हैं, अब उसी तरह छोड़ दिए हैं। ये पूरा गुस्सा रहे थे कि छत पे मत दौड़ के जाया करो कि गिर उड़ जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कपड़ा उपड़ा डाले थे, सब कपड़ा समेट के लाए हैं जल्दी से ना। और जेरी भी पीछे से जा रहा था दौड़ के, फिर दौड़ के आ रहा था मेरे पीछे पीछे, तो वही था कि अब नहीं उतार पाए, लेकिन गद्दा गीला हो गया। अब कोई बच्चा रहता तो दौड़ के चला भी जाता। आज भी बारिश काफ़ी हुआ है यहाँ पे, दिन में थोड़ा सा धूप निकला था लेकिन फिर बारिश हो गया। तो आज जाना था हमको, रोज़ सोचते हैं ना गाइस कि थोड़ा तनी मार्केट जाए कहीं जाए, तो अब तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पैर में बेढ़िया लग गया है। घर से निकलना, नीचे काम चल रहा है टाइल्स का जो कि आप लोगों को आज दिखाएंगे इस ब्लॉग में। नीचे का बाथरूम जो तोड़ाया था वो बाथरूम क्लियर हो रहा है, और रेंट के लिए कोई कोई आ रहा है पूछने, तो फिनिशिंग नहीं है तो कैसे देंगे, और खाली पड़ा है मकान तो कोई अर्निंग नहीं है उससे, इसीलिए हम लोग जल्दी से वो काम करवा रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को ले चलते हैं नीचे और दिखाते हैं, पहले चाय पी लें, उन लोगों को भी चाय बना के दिए हैं और चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है,
अभी टाइल्स कहाँ तक लगा है, कहाँ बाकी है, तो चलिए आप लोग लेके चलते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए कितना अच्छा हो गया है, ऊपर का बाकी रही का ओकर एक लगा थे हो गया ना एने का वो तो पेंट हो गया, बराबर हो गया। अच्छा ये तो बराबर ना अच्छा लगी। हाँ, ये लगा छाप के ना मुड़िया बना देना वो पीओ की लाइन में माथा बना सकती चिकन हो जाए। हाँ चिकन तो हो ही जाएगी, उन्हें को रही थोड़े हो सब चिकन। हाँ नीचे वाले पियर का है, यहाँ पियर एकदम कहाँ पियर वही पत्थर टेंशन बना पियर नहीं है कर दा खोल बा हमने सब नहीं फिर मुझे मत बंद होनी हम तो मैं वो बा और गाड़ूआ चालू उड़ल बात उठा हूँ कटाई बना हाँ तो गाड़ूआ उड़ल बात उसे लगता है ना तो गाता खोल बा लेकिन पियर का नहीं। आप ये भी जैसे ना हो ये भी पड़ा है सिंका बा हाँ आम तो सिंगला नहीं जा अबे बाद ऊपर में बाद कोई वो काम बार अब नौ लगी फिट लगी और बाद में झरना लगी और कर बाद झरना के बाद में एक ही कपड़ा टांग खाती है हैंडल लगी हाँ ऊपर एक लगी है वो पानी खोला लगी तब में जाने ही हो तो कोई तो सामान नहीं मिला ही ना अब लगी तब लगी सब ऐसा फाइव फाइव हो जाएगी बढ़िया सब तब भाई हो जाए तो तेरी पाइप तो धोआ जाएगी मकान सब कब पाइप तो धोआ जाएगी ना नहीं खाएगा आज ना दिया ही नहीं खा खा तो अंडा खोज था बिना अंडा के ना खाई खाने में पधारा चला मिस के दिया रोटी में हाँ चार रोटी अंडा मिस के दिया ही उसने ना बना हाँ भेज ले पैसा लगे गोल बड़ी सब धुआ हो गल किचन कोने नीचे में रख दी हो आया के रोटी बना के तब दिया ही कहाँ एमलाइट में खे तो अभी काम चल रहा है ये कितना दिन लगेगा कोई ठीक नहीं। तो वीडियो कराने देते हैं तक वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय।